हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी और पिंकी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेथी मटर मलाई बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लिए हैं एक कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 लहसुन, कुछ अच्छे से छील लिए थे, और इसमें हम डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 8 से 9 काजू और इसको भी चलाते हुए भुनेंगे। ये देखिए हल्का से भुन गई है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई 1 ऑनियन। इसमें हम 2 हरी मिर्च को भी लंबा कट करके लिए हैं और इनको तेल में अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेंगे। प्याज को ऐसे बनाएंगे। मेथी मटर मलाई तो बहुत डिलीशियस बनेगी और उंगलियां चाट के खाएंगे और आपकी लोग बहुत तारीफ करेंगे। ये देखिए हल्का सा गोल्डन होने लगी है। अब हम इसमें 2 बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। और इनको भूनते हुए हम सॉफ्ट करेंगे टमाटर को, कवर कर देंगे टमाटर को, एक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। नमक से टमाटर अच्छे से जल्दी गल जाती है। और इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर हमारी अच्छे से हल्के से सॉफ्ट हो गई है। हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हम इसमें गोल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, इससे और अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ऑयल ना आ जाए मसाले से। आप लोग भी ऐसे एक बार मेथी मटर मलाई ट्राई कीजिएगा, वो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। आप इसको नान, लच्छा पराठा के साथ खाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। देखिए मसाले से अच्छे से ऑयल आने लगी है। अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा करने के बाद हम इसमें मिक्सी में इसको पीस के अच्छे से स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम डाल दिए हैं मेथी, इसको हम बारीक कट कर लिए थे, डंठल निकाल दिए थे, और इसको अच्छे से हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। 2 मिनट हम इसको ऐसे पका लेंगे, इसे करपा पर निकल जाता है मेथी का। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये देखिए मेथी से पानी निकल गई है। अब हम उसको निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में हम तेल ऐड किए हैं। देखिए मेथी ने सारे मसाले को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए थे, कढ़ाई साफ हो गए अपने से। और ये इसमें तेल अच्छे से हम ऐड कर दिए हैं और हम 1 चम्मच डालेंगे जीरा। जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। इसमें हम डालेंगे 2 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पात और इनको अच्छे से भून लेंगे। ये डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब
में जो मसाले भुने थे उसका हम एक कप पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिए हैं और इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी पेस्ट तैयार हुई है और इसको मिक्स करते हुए भून लेंगे मसाले को। कितनी प्यारी कलर आ गई है इसमें, बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हुआ है। मसाले को बीच बीच में चलाते रहेंगे। मैंने मटर लिया है, फ्रेश मटर, इसको हम ब्लांच कर लिए थे, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे। और इसमें जो हमने मेथी को फ्राई किए थे उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और एक मिनट तक इसको भून लेंगे, क्योंकि ये दोनों ठंडी हो गई है तो इसके लिए हम इसमें ऐड करके एक मिनट तक हम इसको भूनेंगे मसाले के साथ। अच्छे से उबाल आने लगी है। अब हम इसमें दूध लिए हैं और इसमें हम छौंक लगाएंगे थोड़ा सा, इसमें मसाले को इसमें ऐड करके और चम्मच से मिला लेंगे। इससे क्या होती है जो दूध है वो फटती नहीं है। चम्मच की सहायता से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें डाल देंगे दूध। गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर पे है और ये देखिए बहुत ही क्रीमी क्रीमी मेथी मटर मलाई बन रही है। अभी तो मेन इंग्रेडिएंट बाकी ही है, फिर भी देखिए बहुत ही क्रीमी क्रीमी लग रही है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढककर 5 मिनट तक हम पका लेंगे अच्छे से उबाल आने तक। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से बॉयल आने लगी है। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। हम कस्तूरी मेथी का भी यूज कर रहे हैं, इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और एक चम्मच हम इसमें डाल दिए हैं गरम मसाले और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें मलाई डालेंगे, घर का मलाई लिए, दूध के ऊपर जो छाली रहती है वही लिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मेथी मटर मलाई कितनी क्रीमी क्रीमी बनी है, कितना बढ़िया कलर आया है इसमें। थोड़ा सा क्रीम बच गया था तो हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी मेथी मटर मलाई बहुत ही क्रीमी क्रीमी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं एक बाउल में। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।